और ये कट पीस है। हेलो भाभी जी, हेलो। हेलो भरभूति जी, अकेसन बा भाभी जी, एकदम फर्स्ट क्लास मजे में हूँ। आज आप पहले से ही यहाँ हैं भाभी जी। एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा था कि रोज आप हमारा इंतजार करती हैं, आज हम आपका इंतजार कर लें। लेकिन हम तो आपका इंतजार ना ही करते हैं। मुझे आपसे ऐसे ही किसी दिल फरेब जवाब की उम्मीद थी। आप क्या बोले? हमें जो बोलना था हमने बोल दिया, अब तो आपको बोलना है। I love you. आप क्या बोले? अरे भाभी जी, हम क्या बोलेंगे, अब तो ये आ रहे हैं, ये बोलेंगे, ये देखिए आ गए। अब भैया हम क्या बोलेंगे, अब तो जो बोलेगा वो शैतान बोलेगा। क्यों भाई, शैतान क्यों बोलेंगे भाई? भैया वो क्या है ना, कब्रिस्तान में शायर की वर्षगांठ है आज। हाय दिया, किसको गांठ है? आपको पता है चर्बी का भी गांठ होता है। That's not that gant you're talking about. It's anniversary, भाभी जी। हाँ तो किसका यूनिवर्सिटी है? It's birthday, birthday. ऐसे ही पकड़े हैं, लेकिन किसका? शायर का? गालिब का? नहीं। दाग का? नहीं। फिराक का? नहीं। जौक का? नहीं। अकबर अलाबादी का? नहीं। दुष्यंत का? नहीं। अचर किन का? निराला का? नहीं। आनंद बख्शी का? नहीं। भाभी जी, यही मनहूस बात तो उस शायर के जीवन में रह गई कि उसका कभी नाम ही नहीं हुआ। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिकॉज हमने इतने नाम लिए, उसका नाम है ही नहीं इसमें। भैया उस मरहूम शायर का नाम है मनहूस कानपुरी। और पता नहीं कैसे भैया, उस मनहूस शायर का नाम लेने में बड़ी नेगेटिविटी सी फील होती है। ठीक है मैं चलता हूँ। हाय दिया, कितना मनहूस नाम है ना, देखिए। सॉरी सॉरी। ओ पिया पिया क्यों बुला दिया। अरे यार ये क्या हुआ यार, हमारा गाना सुनकर इतना स्ट्रॉन्ग आदमी रो रहा हुआ यार। हाँ भैया, इसमें कोई शक ना है कि आप लोग की आवाज में पाइल्स के दर्द से भी ज्यादा गहरा दर्द है। अबे साले, पाइल्स के दर्द की पैदाइश? दर्द दर्द में फर्क होवे। जिस दर्द की तू बात कर रही है ना पाइल्स की, वो आदमी के अंदर पैदा होवे, अंदर। हाय बॉयज। हाय रूसा, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। वैसे रूसा, एक बात हम तीनों को जाननी थी कि तुम्हें लड़के में क्या चीज पसंद है? मुझे ना बहुत सारी बातें पसंद है, लेकिन मुझे ना शायर लोग बड़े पसंद है। मास्टरनी जी भी तो अभी वही अटकी पड़ी हैं। हम लौट रहे थे तो सोचे आपके हाथ से कुछ खाते हुए चले। क्यों नहीं, बिल्कुल आपका पूरा हक बनता है। लेकिन मासम, भभूति जी तो भाभी जी से ये बहाना करके गए कि आप अस्पताल में हैं, आपके प्राण पखेरू उड़ने वाले हैं, ऐसा कुछ। क्या बात कर रहे हैं आप? वो विभू कह रहा था कि आपके अंदर बहुत कफ बन रहा है, आपको निमोनिया हो गया है। विभूति भैया के अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। अरे हम तो भले चंगे हैं भाभी जी, हाँ हमें क्यों निमोनिया होने लगा? देख लिया भाभी जी, हो गया दूध का दूध और पानी का पानी। आप रुकिए, मैं उसे कॉल करती हूँ। इसका फिल मीटर चेक कर, जरा देख कितना है। अबे ये तेरे जैसे नल्ले की स्कूटी नहीं है जो 2 रुपए का पेट्रोल भरकर कहीं भी चल पड़ते हैं। ये प्रेम चौधरी की स्कूटी है बेटा, हमेशा फुल मिलेगी फुल। चेक कर देख कितना है, देख जरा। तेरे स्कूटी में 2 रुपए का पेट्रोल नहीं है बे, 2 रुपए का। और तू मुझसे कह रहा है कि मैं 2 रुपए का पेट्रोल भरा के पूरे शहर में घूमता हूँ? अबे तू टुच्चा है, 2 कौड़ी का आदमी है तू, थू है तेरी जिंदगी पे थू। अबे ओ विभूति, बहुत हो गया तेरा नाटक, समझा? यहाँ से हमें 20 किलोमीटर दूर जाना है और यहाँ से कोई बस भी नहीं मिलेगी। तो लिफ्ट ले लेंगे किसी से बे।
ये तो बेटा लक की बात है, अगर गाड़ी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो हमें 20 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा। यार ये अन्नू भी ना हाथ धो के पीछे पड़ जाती है यार, सीना हराम कर दिया मेरा भाई। गॉड साले, तू भाभी को झूठ बोल के निकला होगा तो बेचारी छानबीन कर रही होगी। लेकिन माँ साहब को आने में भी 3-4 दिन है नैनीताल से। तो कह देना झूठ मूठ में कि मास्टर जी के अंदर बलगम भर गया था। यार तू प्लीज तू बैठ। या बेबी कहाँ हो तुम? बड़ा बचकाना सवाल किया तुमने यार। मैं तुमसे कह के आया था कि मैं जा रहा हूँ मास्टर को देखने, उनको निमोनिया हो गया है। कहाँ पहुंचे? अभी तो आईसीयू में पहुंचे हैं, डॉक्टर से दिए 24 घंटे, अगर सरवाइव कर गए तो ठीक है वरना ऊपर पहुंच जाएंगे। अभी इस मां साहब के लिए दुआएं करना यार, बड़े अच्छे आदमी है यार, बहुत अच्छे आदमी। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मम्मी 20 मिनट दे रही हूँ, घर पहुंच जाते ना यार। कौन चल रहा है ये? तेरे चलने की आवाज आए। तो खड़ा हूँ मैं, तेरे चलने की आवाज आ रही है। अबे मैं भी तो खड़ा हूँ। तो फिर कौन चल रहा है? चल 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 चल। भला है बे, आए, आए, मर गया। आए, ऐसी जगह काटा है कि बता भी ना पाएंगे। भैया कहाँ हो गया लड्डू के भैया? इसे दर्द में काहे करा रहे हैं? अरे क्या बताए, वो कुकुर ने कुतर लिया। हम समझे ना ही। कुत्ते ने काट लिया। काहे? अरे हमें कैसे पता होगा, ये तो कुत्ते को पता होगा ना कि उसने काहे काटा। तो आप पूछे ना ही उससे। अरे हम काहे पूछेंगे बड़ो मोरत। हमरे कहने का मतलब ये है कि आप कुत्ते को छेड़े तो ना ही थे। अरे हम कहे छेड़ेंगे भला कुत्ते को। अरे हाँ, लेकिन हमें याद आ रहा है कि भभूति जी एक तो को मनुष्य सा शेर सुनाए थे हमको, कुछ ऐसा था कि वक्त का कुत्ता पहले पहले रोएगा फिर काटेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पहले रोया और फिर हमको काट लिया। अरे बहू खचेड़ो, कहाँ है यार बहू? कौन है आप? चाचा जी प्लीज आप मेरा मजाक मत उड़ाइए। अब आपको अच्छी तरह पता है कि मैं अनीता हूँ। अरे हाँ ठीक है, ये बताइए तेरे चेहरे को क्या हो गया? पता नहीं चाचा जी, सुबह उठी तो ये पूरे रैशेस थे फेस पे, मुझे लगा चले जाएंगे अपने आप, लेकिन ये तो जा ही नहीं रहे। मुझे भी लग नहीं रहा कि इतनी जल्दी जाने वाले हैं, ये एलर्जी है कोई है? सुन किसी डॉक्टर को दिखा, मैं बता रहा हूँ ये बीमारी पालना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं मैं किसी डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी। कर लेना। अच्छा ये बता कहाँ है खजेड़ू? उसने आखिरी सांस लेने से पहले बस इतना ही कहा। तू बड़ी बदतमीज है, मर गया। क्या है क्या ये क्या हाल बना रखा है तुमने विभू? हाल तो इसका हमेशा से भी हाल रहता है, लेकिन क्या बदतमीजी है मतलब। अरे यार तेरे चाचा आए हैं, ना दुआ ना सलाम ना राम राम, और ऊपर से ये मनुष्यत भरे शेर और सुना रहा है आके।
रिश्वत का दूसरा नाम इस दुनिया में घूस है। और मैं अलानिया कहता हूं कि मेरा एक हर एक हर एक शेर मनहूस है। लो बहु, मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, मैं यही आसपास के इलाके की बात है, सच्ची घटना है ये। एक शायर था, ऐसा शायर था, ऐसे मनहूस शेर सुनाता था कि जिस चीज पे शेर सुनाता था वो चीज खत्म हो जाती थी। क्या बात कर रहे हैं आप? एक औरत सुन, एक औरत उसे दिखी तो उसने उसकी सुल्फों में शेर सुनाया। तू यकीन, मतलब कैसे बताऊं, अगले दिन उसके सिर पे बाल ही नहीं थे। वो हम ही तो थे। कल रात विभू ने मेरी खूबसूरती पर एक शेर कहा था, समथिंग लाइक सुर्खी। आप लोग बात कीजिए, मैं आती हूँ। अबे ओए कजड़ो, क्या नाटक है यार ये? ये नाटक नहीं है साहेब, ये नाटक नहीं है। खून खंजर जिगर सब असली है, कत्ल होने वाला भी असली है, मारने वाला ही बस नकली है। जरूरत है एक लौंडे की जो पकड़ सके हमारा पीकदान। तनख्वाह में दो नज्म सुबह दो नज्म शाम, रात को खाने में दिलकश रुबाई की बिरयानी, मीठे में ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आ मेरे हम झोलिया खेले आँख मिचोलिया, बागों में बहारों में गलियों में चौबारों में, ओ मैं ढूंढूं तू छुप जाए। आप सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल। विभूति नारायण मिश्रा, कहिए क्या हाल चाल है? मेरा हाल जानकर करेगा क्या, मेरा दर्द दिल अच्छा हुआ नहीं, न कम हुआ ना ही बढ़ा, मैं दो कदम चला और तू गिर पड़ा। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। तो कितना भी छुप ले मनहूस कानपुरी, मेरी नजरों से ना बच पाएगा। मैं शायर बदनाम। बाबा बाबा बाबा, मैं इस गाने की जुबान को समझने में थोड़ा सा असमर्थ हूँ, कृपया करके आप बताइए, साफ साफ बताइए कि माजरा क्या है। माजरा ये है कि ये जो शख्स अभी अभी यहाँ से गया है, ये जो है ये वो नहीं है, ये इसके अंदर बैठी मनहूस कानपुरी की आत्मा है। ये जो भी कहता है शायरी में वो हो जाता है। इसने अभी अभी कहा मैं दो कदम चला और तू गिरा, और तू गिर गया। प्यार करने वाले भोली सी सूरत। भाभी जी, ये कहां से आ गया? कोट मुंह नहीं दिखा सकती। बेटा अब तू पढ़। गुंचाए नशे गुफ्त को दूर से मत दिखा कि यूं, बोसे को पूछता हूं मैं मुंह से मुझे बता कि यूं। आवा जी उस्ताद,
आगो गुंचे नशे गत को दूसरा। हाँ उस्ताद, इसमें शायद ये कहना चाह रिया है कि तू मुझे नासिक में दूर से मत दिखा कर, क्योंकि बॉस मुझसे पूछता है कि मुंह से मुंह कैसे मिलाऊं। क्यों बात सही सुनाया ना? बेटा जी, मुर्गा बन जाओ और सहलाओ, शायर बनोगे, शायर बनोगे, शायर बनोगे तुम लोग। हमें ना बनना शायर, ना बनो बस, शायर तो तुम्हारे पुरखे भी बनेंगे बेटा। हमारा नाम मनहूस कानपुरी ऐसे ही नहीं है, जो काम हम हाथ में लेते हैं पूरा करके छोड़ते हैं, और ये काम भी करके छोड़ेंगे, तुम्हें शायर बना के छोड़ेंगे। भाभी जी, कॉफी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉफी पिलाने का, तो मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, जल्दी क्या है? वो क्या है ना भाभी जी, अगर मैं घर पर देरी से जाऊंगा ना तो मेरी बीवी मुझसे झगड़ा करेगी। अरे तो कह देना ना कि तुम अपने बेस्ट फ्रेंड विभूति के यहाँ थे। विभू का नाम लूंगा तो वो तो मुझे पकड़कर और धोएगी। इतना चढ़ती है तुम्हारी वाइफ विभू से? ये तो नेचर है भाभी जी, अक्सर बेस्ट फ्रेंड से पत्नियां चिढ़ती है, जैसे कि आप मुझसे चिढ़ती है। नहीं तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं चिढ़ती हूँ, इनफैक्ट मैं तो विभू के हर फ्रेंड की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और तुम्हारी तो सबसे ज्यादा करती हूँ मैं। वो क्या है ना भाभी जी, जब मैं और विभूतिया दोनों फोन पे बात करते हैं ना तो अक्सर आप सामने आ जाती हो। हाँ तो? तो विभूति फोन अपने जेब में रख देता है, काटना भी भूल जाता है। हाँ तो? तो मैंने अक्सर सुना है कि मेरे बारे में आपके अंदर कितने अच्छे विचार है। अब तुम ही बताओ सच सच, रात का टाइम तो बीवी के लिए होना चाहिए ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो अब विभू को देख लो, पूरी रात तुमसे बात करता है, तो मेरा गुस्सा होना तो जायज है ना? हाँ हाँ आप गुस्सा कीजिए, बिल्कुल गुस्सा कीजिए, लेकिन अभी मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, बैठो। हमारे बीच में जो ये गलत फहमियाँ है वो तो क्लियर कर लेते ना पहले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये टाइम गलत फहमियाँ क्लियर करने का है, वैसे भी विभूति के अंदर शैतान घुस गया है, अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा, इसलिए मैं चलता हूँ। अरे रुको ना, बैठो। जाम है, रात है, खामोशी है, अब हवा में मौत की सरगोशी है। हाय दिया, बत्ती चला गया। लो, इसको भी अभी जाना था। ओ माय गॉड, ब्लैकआउट, ये कह रहे हो यार? बिल्ली का बिया हो रहा हो, अबे बावली दिखाई नहीं दे रहे, तुझे लाइट चली गई? इतना क्या चीख रहे हो? हाँ लाइट सी तो गई है। वो क्या है ना भाभी जी, मैं बचपन से अंधेरे में बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं चलता हूँ। रुको, बोला ना बैठो, हिलना मत अब। अजीब जबरदस्ती है। हाँ। हरी मोरी मैया, हजाली में एक काम करो, ये जाम और बोतल उठा के साइड में रख दो यार। हाँ। और भैया मोकुना कछु ठीक ना लग रहो यार। यार तिल्लू ठीका, तुमने दरवाजे खिड़की तो सही से बंद करे थे ना? हाँ यार। मेरी बात मानो भैया, चादर में घुस लेते, सारे साइड में रख दे जल्दी। आ जा आ जा अंदर, अंदर को आ जा। नाइट, गुड नाइट।
भाभी जी मुझे लगता है बिल्ली है। भाभी जी आप देखिए ना कौन है वहाँ, जाके देख के आइए ना आप। भाभी जी मुझे डर लगता है, आप भी चलिए ना साथ में। चलिए। यार मलखान क्यों खींच रहे है यार तू? यार मैं नो खींच रहो, मैं भी ना खींच रहो। अरे तो फिर यार तुम दोनों को पता मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर कौन खींच रहा है यार? कौन खींच रहा है? कौन है मैं? अर्ज किया है तुम्हें देख के पेट में दर्द हो गया, रात भर रहा कलम साजना मैं कुछ कर जाऊंगी, बाजरे के खेत में तुझको ले जाऊंगी। ये क्या नॉनसेंस चल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इनके गानों पे मत जाइएगा, ये वो फकीर बाबा हैं जिन्होंने गानों पे सिद्धि प्राप्त की है। अरे यार गानों में सिद्धि प्राप्त कर रखी है, कव्वाली में कर रखी है, मुजरे में कर रखी है, इसे हमको क्या लेना देना है? आप तो हमारी समस्या का निवारण कीजिए भाई। बाबा जी आप तो अंतर्यामी हो, आप ही बताइए ना इस समस्या का समाधान क्या है। बाबा तो हमें सब कुछ बता चुके हैं कि ये मांजरा क्या है। क्या आप पहले मिल चुके बाबा से? कुछ शक्ति के जरा है? सत्यवारी आपको इन चीजों से क्या लेने देना, आप सीधा मुद्दे पर आइए। उपाय बता रहे थे और बाबा जी ने जो उपाय बताया है वो इस तरह बताया है कि वो मनहूस कानपुरी की जो आत्मा है ना वो मुजरे की शौकीन है। दिया तो अब क्या होगा, वो हमारी मॉडर्न कॉलोनी की गुलाम अली तो शादी करके चली गई। भाभी जी वो गुलफाम कली हो तो है। ऐसा ही पकड़े हैं तो मुजरा कौन करेगा? कर लो लौंडो, हमें कुछ अजीब सा लग रहा है यार, तुम ही बात कर लो। क्या भैया अभी शेम ऑन यू। डॉकर चाचा जी हम आपको और मनहूस कानपुरी को है ना इनवाइट करने आए हैं। टीचर से बोल दे, उनसे कह देंगे
कि हमने डांस को इंतजाम करो बढ़िया। मैं बोलता हूँ जचा, कसम खा के कह रही हो मनहूस कानपुरी को रक्कासाओं का नाच देख के मजा आ जाएगा, गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। अरे तू गालिब पे खड़ा है, अरे तू फराक पे चढ़ गया। सॉरी 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 सर, माफ कर अंकल। अबे ओए, ये उनके पैर नहीं, तूने कुछ और ही छू लिया है। सुन लो लौंडो यार, यहाँ से निकल लो, छुअन छुआई के चक्कर में कुछ और ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सही कह रहे भैया। चलो आप सभी का इस मुशायरे में खैर मकदम करता हूँ। उठा लो बेटे। दिया, मनहूस कानपुरी जी, देखिएगा आप हम सब पर मुकदमा करेंगे। खैर मकदम मतलब स्वागत करता हूँ कह रहे। ऐसे ही पकड़े हैं। आज इस महफिल का आगाज हम अपनी बहुत ही पसंदीदा नज़्म से करेंगे जिसका उन्वान है मनहूस, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। दाद का मुंतजर रहूंगा। इरशाद 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 इरशाद। हाय दिया। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है, मैं मनहूस, मेरी जिंदगी मनहूस। क्या बात है, उम्र सारी गुजरी है मनहूसियत में, लेकिन आज मेरी कब्र पे ये भीड़ कैसी। उफ, ये भीड़, ये वही लोग हैं जो हाथों में कांटों के गुलदस्तों से नवाजते थे, आज हमारी कब्र पे फूल बरसा रहे हैं ये लोग। समाज फरमाएगा, ये हासले दाद शेर है। कल तक मारे थे जिन्होंने पत्थर, आज वही लोग अब मेरी कब्र पे खड़े आंसू बहा रहे हैं। उफ, ये मनहूस लोग, उफ ये मनहूस लोग। अब आप सभी खवातीनों हजरात से इसी तरह की मनहूसियत भरी शायरी की तवक्को रखता हूँ, चूंकि ये मुशायरा जो है वो मनहूस कानपुरी का मुशायरा है, तो यहाँ हर बात अगर मनहूसियत में हो तो बेहतर। क्यों पीकदान। हाय दिया। माफ कीजिएगा मोहतरमा, आपकी जो हाय दया है हमारी कई नज्मों और गजलों पे भारी पड़ रही है। आप क्या बोले। खैर, प्रेमी पर छक्कर हमारे ले जा तू कर सकता।
प्रभु तुम ठीक हो ना? पार्वती जी आ गए। वेबो पार्वती जी। अनु बेबी भाभी जी सही हो गया प्रभु सही हो गया। हरी मोरी मैया सब क्या था? चाचा जी तिवारी भैया भाभी जी टीएमटी कमिश्नर साहब आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अरे वो मनहूस कानपुरी की आत्मा विभूति भैया का शरीर छोड़कर चली गई है। चाचा जी हाय दिया हट।